हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर थर्टी फाइव फोर क्लास एट सब्जेक्ट साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए थर्टियथ ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए, लिए शेड्यूल की गई है आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों उसमें हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो so, देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है सो वी नो दैट द रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस सो रिप्रोडक्शन क्या है रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं इट इज असेंशियल फॉर द ऑफ़ लाइफ ऑन अर्थ तो अर्थ पे लाइफ की बनाने के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, ये का होता है. Reproduction. Reproduction क्या होता है? जिसके अंदर टू पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं टू ऑर्गेनिज्म पेरेंट मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्मी ऑफ स्ट्रिंग पैदा करने के लिए मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक इन अमीबा जैसे अमीबा के केस में होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है तो वो क्या है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल पार्ट्स एंड दैट आर लोकेटेड इन फ्लावर हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उनके जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो फ्लावर के अंदर होते हैं ठीक है जिनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर के अंदर होते हैं फ्लावर का डायग्राम भी आपने किया हुआ है उसमें एंथर स्टेमन वो सब होते हैं जहाँ से सीड बनता है तो उनको हम क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एनिमल्स ऑल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन तो इन एनिमल्स ऑल्सो एनिमल्स के अंदर भी क्या होते हैं मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं ठीक है थीके? जिनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन कहते हैं द मेन फंक्शन ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज़ टू प्रोड्यूस द गैमिट अब जो ये मेल और फीमेल पार्ट होते हैं इनका मेन काम क्या होता है इनका मेन होता है गैमीट प्रोड्यूस करना मेल जो पार्ट है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल जो पार्ट है वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है ठीक है सो अब जो क्या होता है कि जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है ये दोनों आपस में मिलके क्या फॉर्म करते हैं दे फॉर्म अ अट सो दीज गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म अ अट ये दोनों जो है फ्यूज होके क्या फॉर्म करेंगे दे फॉर्म जायगॉट सो इट इज अगोट विच डेवलप इन टू न्यू इंडिविजुअल सो ये जायगोट है जो कि क्या करता है न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जो ये रिप्रोडक्शन है ठीक है जो कि कैसे होती है जो कि मेल एंड फीमेल गैमिट के फ्यूज होने से होती है दैट इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो देखिये मेल गैमिट मेल गैमिट को क्या बोलते हैं इन ह्यूमन बींग्स पम्प बोलते हैं फीमेल गैमिट जो फीमेल uh, uh, जो बॉडी है उससे प्रोड्यूस होगा दैट इज ओवम ये दोनों मिलेंगे और ये क्या फॉर्म करेंगे दे विल फॉर्म जायगोट और जायगोट से जो है न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा नया जो जीव है वो बन जाएगा नाउ लेट्स नो अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम अब हम रिप्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे ह्यूमन में और जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कैसे होता है तो देखिये आज इस वर्कशीट में पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है ए पेयर ऑफ टेस्टिस टेस्टिस ठीक है तो ए पेयर ऑफ ये क्या है आर द पेयर ऑफ टेस्टिस ठीक है सिंगुलर क्या है सिंगुलर टी एस टी आई एस है और जो है उसके बाद देखिए सेकेंड है टू स्पम डक्ट तो ये क्या है ये जो पाइप है ये है स्पम टेस्टिस और ये क्या है एंड टेस्टिस नहीं होगा ये ये जो है पेनिस होगा ठीक है टेस्टिस नहीं होगा ये क्या होगा पेनिस ओके अब देखिए पैनिस जो है देखिए द मेल रिपोर्डक्टिव सिस्टम इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस तो ये हो गया टेस्टिस एक बार फिर से देख लेते हैं टू स्पाम डक्ट ये हो गए इस डक्ट और थर्ड यहां लिखा हुआ है ये है पेनिस ठीक है तो ये क्या है ये है पेनिस ओके ये क्या होगा ये पेनिस है नेक्स्ट देखिए टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमिट कॉल्ड अब जो ये टेस्टिस हैं ये जो है मेल गैमिट फॉर्म करते हैं एंड मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन और जो मेल के अंदर जो जो सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं लाइक जैसे दाढ़ी मूछ आती हैं वो किसके कारण आती हैं वो इस हार्मोन के कारण आती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ये हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होगा ये हार्मोन टेस्टिस से सिक्रीट होता है जिसको हम क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कहते हैं

जिसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं बट जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ नंबर होते हैं नॉर्मल सेल एक्चुअली क्या होता है देखिए जायगोट जो है वो एक पूरी सेल है अब इस जायगोट के अंदर हाफ क्रोमोसोम मेल से आते हैं और हाफ क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं इसलिए जो मेल है मेल मेल गैमिट क्या है स्पम है तो स्पम में हाफ क्रोमोसोम होंगे इसी तरह जो एग होगा उसके अंदर भी हाफ क्रोमोसोम होते हैं उसके बाद देखिए ज अड एंड मिडल पीस एंड अ टेल अब जो मेल जो स्पम है उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा होता है उसके अंदर एक हेड होगा ये जो है उसका मिडल पीस होता है ठीक है और ये क्या होती है टेल होती है तो यहाँ पे भी आप डायग्राम देख सकते हो ये हेड मिडल पीस और ये क्या है टेल है Now the 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 tail move with whip like movement, like movement a snake back and forth to propel the sperm towards the egg. Actually क्या होता है? ये जो ये tail जो है, है ये move करता है ठीक है जैसे swim करता है जैसे snake चलता है कुछ इसी तरह से इसकी movement होती है और ये tail इसको move करने में help करती है move कहाँ करेगा ये move करेगा egg की तरफ जो फीमेल पार्ट होता है उसमें ए, उसमें यूट्रस होता है फेलोपियन ट्यूब होता है और ये हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे सो so, जो द स्प हैव द टू रीच रीच द यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज विद द ओवम टू फॉर्म जायगॉट तो जो ये ए, टेल है ये ये इसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है ताकि ये जो फीमेल के अंदर यूट्रस है और फेलोपियन ट्यूब है वहां पर जाकर ओवम जो है उसको फ्यूज़ कर सके और जायगॉट बन सके ठीक है नेक्स्ट देखिए अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर फाइव क्वेश्चन आपको इसके दिए गए हैं तो इनको हम वन बाय वन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिप्रोडक्शन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देनी है और सेक्सुअल और ए रिप्रोडक्शन में आपको डिफरेंस बताना है तो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस तो रिप्रोडक्शन क्या है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है ठीक है नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच टू ऑर्गेनिज्म पेरेंट यानी मेल एंड फीमेल दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की नीड होती है एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए नेक्स्ट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल कैन प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म ठीक है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स की नीड नहीं होती है Uh, जो है न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज इट अक्कर ओनली इन प्लांट्स तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमने अभी की इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ऑर्गेनिज्म पेरेंट मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म तो इसमें जो है एक मेल और एक फीमेल पेरेंट होना चाहिए न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए And does it occur only in plants? No, it does not occur only in plants, but also in animals. तो so, ऐसा नहीं है कि ये केवल plants में ही होता है ये सेक्सुअल रिपोडक्शन ये एनिमल्स में भी होता है जो ठीक है उनमें भी ये होता है लाइक like, अमीबा में होता है ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है ड्रॉ अवेलेबल diagram ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो अब आपको यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करके और ऑर्गन्स के नाम जो है यहाँ पर सारे लिखने हैं तो ये डायग्राम आप क्या करेंगे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे ठीक है ये क्या हो जाएंगे दीज आर द टेस्टीज दिस इज़ एपिडाइमस इसके अलावा बच्चों आपकी बुक में भी इसका डायग्राम दिया गया है वहां से भी आप इसको बना सकते हो ये क्या है दिस वन इज़ स्पेनिस एंड ये जो आउटर लेयर होती है दैट इज़ नोन एज सेक्रोटम ठीक है दिस पाइप इज़ नोन एज यूरेथ्रा एंड दिस वन इज़ नोन एज कॉपर ग्लैंड ये क्या कहलाएगा ये कॉपर ग्लैंड कहलाएगा एंड दिस वन इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस वन इज़ नोन एज सेमिनल वसाइकल एंड दिस वन इज़ नोन एज वास डिफरेंस दैट इज़ स्पम डक्ट ये क्या कहलाएगी ये स्पम डक्ट कहलाएगी ठीक है तो ये सारे नाम आपको लर्न भी करने हैं और डायग्राम की प्रैक्टिस भी आपको करनी है एंड लास्ट में दिस वन इज द ब्लैडर ओके यूरिनरी ब्लैडर होता है तो यहाँ से आपको इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है या आप अपनी बुक से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो नेक्स्ट है वॉट इज द टर्म गिवन टू मेल गैमिट वेयर इज इट प्रोड्यूस्ड क्या टर्म है जो मेल गैमिट को दी जाती है दैट इज आंसर रहेगा स्पम ठीक है आंसर विल बी स्पम नेक्स्ट है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस तो मेल गैमिट किसके कौन प्रोड्यूस करता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट ट्रू और फॉल्स फो स्टेटमेंट दी गई है स्पम इज़ नॉट अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर तो ये क्या रहेगा ये फॉल्स स्टेटमेंट है एक्चुअली स्पम वो जो है क्या है मेल गैमिट है एंड इट इज़ अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर सेकेंड है टेस्टीज प्रोड्यूस स्पम एंड टेस्टोस्टिरन हार्मोन तो जो टेस्टीज है इट प्रोड्यूस पम एंड टेस्टोस्टिरोन हार्मोन तो ये बिल्कुल ट्रू है इट प्रोड्यूस पम एंड एज़ वेल एज टेस्टोस्टिरोन हार्मोन तो यहाँ से आप इसके आंसर लिख देंगे सो so, ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ टेक केयर बाय बाय